कि सरकारी डॉक्टर्स के प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाई हो, लेकिन डॉक्टरों पर सीएम के आदेश का लगता है कोई असर नहीं हो रहा। पैसों की हवस में एक डिप्टी सीएमओ किडनी बेचने के आरोपी तक से साठ गांठ कर बैठा। देखिए, स्वास्थ्य विभाग को ठेगा, प्राइवेट प्रैक्टिस में जुटे डिप्टी सीएमओ, मुख्यमंत्री के आदेश की नाफरमानी, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। योगी सरकार की आंख में धूल झोंकते ये हैं स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के गृहनगर इलाहाबाद में बेली अस्पताल के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर चंदनलाल। सरकार इनको लाखों रुपए वेतन देती है, लेकिन ये सरकारी अस्पताल में मरीजों का इलाज करने की बजाय प्रतापगढ़ में प्राइवेट प्रैक्टिस कर मोटी रकम वसूल रहे हैं। कैमरे में तस्वीरें कैद होने पर ये बड़ी ही सफाई से झूठ भी बोलते हैं। मैं तो इलाहाबाद इलाज के नाम पर लूट के खेल में शामिल डॉक्टर साहब के कारनामे यही नहीं थमते। ये जिस पॉलीक्लिनिक में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं उसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। इसका मैनेजर किडनी चोरी के आरोप में भी फंस चुका है। अस्पताल के बोर्ड पर धड़ल्ले से फिजिशियन लिखवाकर लोगों की जान से वो लगातार खिलवाड़ कर रहा है। मुख्यमंत्री के सख्त आदेश के बाद भी डिप्टी सीएमओ जैसे अधिकारी का प्राइवेट प्रैक्टिस जारी रखना स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठाता है। सवाल है कि आखिर गरीब को सस्ता और बेहतर इलाज कब मयसर होगा? प्रतापगढ़ से नेशनल वॉइस के लिए ब्रजेश मिश्रा की रिपोर्ट।